केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिंधिया ने लोकसभा चुनाव का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 99 सीट जीतने वाले उछल रहे हैं, लेकिन उन पर जनता ने विश्वास नहीं जताया। दरअसल सिंधिया सांसद पद की शपथ लेने 24 जून को पहुंचे थे। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं मंत्रियों ने इनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही इन्होंने कार्यकर्ताओं समेत रोड शो भी किया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री बनने के बाद पहली बार गुना पहुंचे हैं। इस दौरान गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जो लोग आजकल बहुत फुदक रहे हैं उनके तीनों चुनाव की संख्या जोड़ लीजिए, एक दो नहीं बल्कि तीनों चुनाव की संख्या लेकर भी जोड़ दी जाए तो देखा जा सकता है कि देश की जनता ने जो विश्वास प्रधानमंत्री के हाथों में दिया है वो तीन चुनाव मिलाकर भी कांग्रेस नहीं ले पाई है। बीजेपी को इस बार 240 सीटें मिली हैं, लेकिन तीनों चुनाव मिलाकर भी कांग्रेस 240 सीटें नहीं ला सकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा, उन्हें विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास और प्रगति के पथ पर चल चुका है। अभी पीएम मोदी G7 में देश का परचम लहरा कर आ रहे हैं। अगले 5 साल तक भी देश का परचम विश्व पटल पर लहराने का काम पीएम मोदी करते रहेंगे। उनके नेतृत्व में बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार 24 जून को सांसद पद की शपथ लेने के बाद शाम को गुना पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत तमाम जनता ने रोड शो में उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया पहली बार गुना पहुंचे। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार और गुना विधायक पन्नालाल शाक्य भी मौजूद रहे। पहली बार देश के इतिहास तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने अपना पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बात हो। 75 वर्षों में यह पहली बार भारत में हुआ है। नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुआ और अब देश की जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर होकर संपूर्ण विश्वास देकर भारत को अपने सफर पर अमृत काल से शताब्दी काल तक भारत का परचम पूरा विश्व में लहराएगा, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का आज आने वाले दिनों में साकार होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास। आपने कहा कि जिनके नंबर 99 हो गए हैं सीट ऑफ नंबर हो, नेतृत्व में हम लोग एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। और वहीं दूसरे तरफ जो लोग बहुत आजकल फुदक रहे हैं उनके तीनों चुनावों की संख्या भी ले लो, जुड़ा दो, एक चुनाव नहीं दो चुनाव नहीं तीनों चुनाव की संख्या को भी लेकर आप अगर जुड़ा दोगे तो जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के हाथों में दी है, 240 सीटों लोकसभा की, तीन चुनाव मिलाकर भी 240 तक नहीं पहुंच पा रहे और शायद उन्हें अपने गिरवान में झांकना चाहिए, लेकिन आज देश विकास और प्रगति के पथ पर चल चुका है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अभी G7 से होते हुए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और देश का परचम अगले 5 साल तक विश्व पटल पर लहराने का कार्य प्रधानमंत्री जी करेंगे और उनके नेतृत्व में जान हम जैसे कार्यकर्ता लगाएंगे। बहुत बहुत